हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। फिर से एक नए दिन में आप सबको स्वागत है। मैं अभी फ़िलहाल विजयवाड़ा में, और अभी मैं जा रहा हूँ विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर नया एक गांव, एक नया विलेज गुड़ीवाड़ा। मैं पहली बार जा रहा हूँ गुड़ीवाड़ा में, कभी भी नहीं गया। बिल्कुल नया प्लेस एंड बिल्कुल नया पार्टी। पार्टी किधर है वो भी मेरे को मालूम नहीं है, आज जाके ढूंढना है। अभी बज रहे सुबह के 9:30, मतलब बहुत लेट हो गया जाने में। तो ऐसा हालत है आज जब मैं जा रहा हूँ, और मैं विजयवाड़ा से पिछले 4-5 दिन से हूँ। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ गुड़ीवाड़ा। मेरे को पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितना पार्टी को मैं विज़िट करूँगा। मेरे को कुछ प्लानिंग था, मैं प्लान किया था मैं जाऊँगा मछलीपट्टनम, तो प्लान कैंसिल हो गया। आज सुबह में गुड़ीवाड़ा काम करने के बाद कुछ टाइम मिले तो मैं जाऊँगा मछलीपट्टनम, और कोशिश करूँगा मछलीपट्टनम में सी बीच है वो दिखाने के लिए। मैं जब लास्ट टाइम विज़िट किया था ना मछलीपट्टनम में, तो मैं बीच को गया था। और फिर अलग है बस स्टैंड के अंदर, इधर से आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट बस मिलेगा। इवन आप हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ, विशाखापट्टनम जाओ, किधर भी जाओ, बस इधर से आपको मिलेगा। ये विजयवाड़ा का बस स्टैंड कुछ एयरपोर्ट के जैसा है। मेरे को ढूंढना पड़ेगा गुड़ीवाड़ा बस कौन से प्लेटफॉर्म में आएगा। और इधर देख लो GDB बोल लिखा है एक बस के ऊपर, और GDB मतलब गुड़ीवाड़ा। ये बस मेरे ख्याल से जाएगा। गाइस, इधर सिस्टम क्या है, पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो बस के अंदर। तो मैं भी टिकट ले लिया, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। और गाइस, फिलहाल बस के अंदर बैठ गया, अभी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, मैं गलती किया। और गाइस, मैं जिधर से जा रहा हूँ थोड़ा रोड इधर का घर कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है। देखो रोड अच्छा नहीं है, और इधर देख लो रोड कैसा पूरा टूटा हुआ रोड है। और रोड भी उतना बड़ा नहीं है, छोटा रोड है, नैरो लेन है, लेकिन इधर का घर पूरा अच्छा है। और गाइस, फिलहाल गुड़ीवाड़ा का काम मेरे को आज हो गया। एक 3 पार्टी को विज़िट किया, और अभी बज रहे 2। मैं जा रहा हूँ अभी विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा जाने के लिए मैं एक ट्रेन का टिकट लिया। अभी मैं जाऊंगा ट्रेन से। इधर देख लो गुड़ीवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये देखो आपको दिख रहा होगा गुड़ीवाड़ा जंक्शन। ये जंक्शन इसलिए है, इधर से आपको मछलीपट्टनम जाने का ट्रेन मिलेगा, विजयवाड़ा एंड भीमावाड़म राजबंद की तरफ भी ट्रेन मिलेगा आपको। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, प्लेटफॉर्म इधर आपको पास दिखेगा। और मेरा जो ट्रेन है ना अभी 3 नंबर में आने वाला है। और इधर देख लो एक मेमू ट्रेन खड़ा है, मेमू ट्रेन एक इधर जाएगा पता नहीं है। मेरा ट्रेन अभी 3 नंबर में आने वाला है। बोल रही है।
और गाइस फिलहाल ट्रेन के अंदर मेरे को सीट नहीं मिला, ऐसा ही स्टैंडिंग होकर जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर बहुत भीड़, खाली भीड़ देख लो। और गाइस फिलहाल उतर गए बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन, अभी मैं जा रहा हूँ मेरा रूम के पास और अभी कुछ खाना लेने का है, मतलब अभी लंच करने का है, कुछ पार्सल लेके जाएंगे रूम पे और आपको दिखा देता हूँ बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन अभी 2 बजे कैसा दिखता है। इस तरफ देखो, ये बिजवाड़ा का 4 नंबर गेट, अभी मैं जिधर से जा रहा हूँ 1 नंबर से नहीं जा रहा हूँ। और गाइस इस तरफ भी आपको ऑटो का स्टैंड मिल जाएगा बाहर जाने के लिए, जैसा 1 नंबर पे है ना सेम वैसा इधर भी, मतलब 4 नंबर गेट के पास भी है। और गाइस मैं एक सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ के आया जो नरसापुर से नागारसोल के बीच चलता है भाया सिकंदराबाद होके, तो उसमें मैं आया और गुड़ीवाड़ा के बाद डायरेक्ट बिजवाड़ा स्टॉप था, इसलिए इतना जल्दी आ गया। और गाइस फिलहाल बस स्टैंड के तरफ मैं जब गया था ना सुबह में, बस स्टैंड देखो उस तरफ है वो गेट दिख रहा है ना, वो गेट के सामने आगे और मेरा रूम इस तरफ थोड़ा आगे, और इधर आपको एक पार्क दिखेगा और पार्क के अंदर देखो क्या है, जो मशीन पुराना हुआ है ना और काम पे नहीं आ रहा तो वो मशीन से ये लोग ऐसा बना दिया है। इधर देखो बाइक, गाइस कल गुड़ीवाड़ा काम करने के बाद मैं होटल में आके खाना खा लिया, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से मैं निकला था बिजवाड़ा सिटी के अंदर, थोड़ा काम बाकी था वो करने के लिए, तो वो काम करते करते मेरे को थोड़ा लेट हो गया था और ऐसा ही पूरा इवनिंग का टाइम उधर ही चले गए। तो आज संडे है, थोड़ा छुट्टी भी है, तो थोड़ा इरादा है एक जगह विजिट करने के लिए, मतलब आपको एक जगह मैं घुमा के लेके आता हूँ। बिजवाड़ा के अंदर ही एक छोटा मोटा म्यूज़ियम है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए, और आज संडे के दिन पूरा मार्केट क्लोज है और मेरा भी इधर कुछ काम नहीं है, ओनली 1 विज़िट है। आज थोड़ा प्लानिंग था मैं हैदराबाद चले जाऊँगा इधर से, नहीं हुआ क्योंकि आज शाम के टाइम में एक विज़िट है, तो इसलिए मैं रुक गया, कल का कन्फर्म टिकट कैंसिल करके मैं फिर रुक गया। और मैं जिधर से जा रहा हूँ इधर का थोड़ा नज़ारा देख लो कैसा है, कुछ ऐसा है। आज संडे के दिन पूरा मार्केट बंद है, क्लोज है, देख लो बहुत सारे वर्कर्स। तो ऐसा हालत है, अभी मैं जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ, ठीक है गाइस मिलेंगे फिर म्यूजियम जाके। और गाइस फिलहाल देखो म्यूजियम के सामने, ये म्यूजियम का नाम बापू म्यूजियम, आपको दिख रहा होगा बापू म्यूजियम, अभी थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा और इधर से टिकट लेना पड़ेगा टिकट। और गाइस फिलहाल म्यूजियम के सामने, ये देखो ये म्यूजियम का पुराना बिल्डिंग इस तरह आपको दिखेगा और इधर आगे नया बिल्डिंग, और इधर देख लो ये कौन है मालूम नहीं है, और देखो तेलुगु में नाम लिखा होगा इधर, अगर तेलुगु आपको समझ में आया तो बोलो। और फिलहाल जा रहे ये म्यूजियम के अंदर, इधर कुछ देखने का चीज़ है, चलो आपको मैं दिखाऊँगा। और गाइस इधर देखो ये महात्मा गांधी, और इधर है आपको दिखेगा श्री पिंगला वेंकैया, तो 1921 में श्री पिंगला वेंकैया सर महात्मा गांधी जी को एक फ्लैग दिया था, वो फ्लैग में आपको चरखा दिखेगा, उसमें अशोक स्तंभ नहीं है, ये जो फ्लैग है ना 1921 से इधर ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये बहुत पुराना फ्लैग, इसके अंदर आपको अशोक स्तंभ नहीं दिखेगा। और गाइस इसके अंदर ये वीडियो बनाना मना है, ऐसा इन्होंने बता रहा, देखो
मैं भी पहले देख के रखा, बहुत जने इसके अंदर आके वीडियो बनाया, और जैसे कैमरा देखा ना, वीडियो मत बनाओ, ऐसा हालत है। ये देखो, ये देखो आ रहा, देखो सामने, इन्हें बताया गया अभी वीडियो मत बनाओ, देखो बताया गया। और भाई साहब देख लो इधर कितना कुछ है, ऑल ओल्ड प्रतिमा इधर रखा गया है, और इस तरफ भी कुछ तो भी है। और गाइस इधर देखो गौतम बुद्ध का प्रतिमा कितना बड़ा है, एक हाथ टूटा हुआ है। और इधर आपको दिखेगा कुछ आर्ट गैलरी, पिक्चर का गैलरी आपको इधर दिख जाएगा। और सामने देखो एक घोड़े के ऊपर कौन बैठा है, देख लो कौन है ये। और गाइस इधर आपको दिखेगा युद्ध में यूज़ करने वाला पूरे चीज़, मतलब ये लोहे का देखो हो गया कवर, सर पे भी कवर आपको दिखेगा, और ये जो शोर्ड है मतलब तरवाड़ी, ये भी आपको दिख जाएगा, उधर आपको दिखेगा ढाल। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ है, आप लोग कभी भी इधर आ रहे हो तो फ़ोन से वीडियो बना सकते हो और फोटो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर कैमरा इसके अंदर अलाउ नहीं है। और गाइस फिलहाल हो गया पूरा म्यूजियम का टूर कम्प्लीट हो गया, अभी हम लोग जा रहे बाहर। और गाइस फिलहाल म्यूजियम के बाहर मैं जा रहा हूँ हमारे रूम के तरफ, और आपको भी बता दिया बिजवाड़ा का म्यूजियम, तो आप लोग जब बिजवाड़ा आ रहे हो ना तो मे भी ये म्यूजियम एक बार विजिट करने के लिए ट्राई करो, ज़्यादा दूर नहीं है, बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन उतर के आ जाओ, बिजवाड़ा के MG रोड पे कौन सा भी ऑटो पकड़ के, बिजवाड़ा स्टेशन के सामने आपको ऑटो मिल जाएगा, तो ऑटो पकड़ के आ जाओ MG रोड पे, ये MG रोड पे आपको दिखेगा ये म्यूजियम। और आज सुबह में कुछ काम नहीं था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा घूमने के लिए निकल गया था। और गाइस अभी सुबह के टाइम में देखो रोड थोड़ा बिजी हो गया, एक बार देख लो रोड इस तरह देखो, क्या थोड़ा बिजी दिख रहा है ना बहुत सारे। तो गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, और फैमिली के साथ मस्त एंजॉय कीजिए। ओके थैंक यू, बाय बाय।